नमस्कार, वेलकम बैक टू एनके मिश्रा क्लासेस एंड एनके टेक्स्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। इसी कड़ी में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस प्रकार वास्तव में अपेक्षित अवनमन होता है अगर हम किसी वास्तुशील विलायक में कोई अवास्तुशील विलेय खोदते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि अगर कोई हमारा वास्तुशील विलायक हो, उसमें कोई अवास्तुशील विलेय खोला जाता है, तो उसके वास्तुदाब में एक कमी आती है, जिसे हम वास्तुदाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। आज उसी के आगे हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे कि किस प्रकार जब किसी वास्तुशील विलायक में कोई अवास्तुशील विलेय खोला जाता है, वास्तुशील विलायक में कोई अवास्तुशील विलेय खोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यह कंडीशन हमारी तभी लागू होती है जब कोई हमारा एक अवास्तुशील विलेय हो और वास्तुशील विलायक, अर्थात अवास्तुशील विलेय को जब भी किसी वास्तुशील विलायक में घोला जाएगा तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्वथनांक में वृद्धि से क्या है कि उसका क्वथनांक पहले से ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने लिखा है क्वथनांक का उन्नयन जब किसी वास्तुशील विलायक में अवास्तुशील विलेय घोला जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सबसे अच्छा देख सकते हैं जो घरों में उपलब्ध होता है, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज या चीनी, दोनों ही हमारे अवास्तुशील है और जल हमारा वास्तुशील है। तो इस कंडीशन में अगर हम जल में ग्लूकोज या चीनी घोलते हैं, जल में ग्लूकोज या चीनी घोलते हैं, तो जब हम जल में ग्लूकोज या चीनी घोलते हैं तो जल के क्वथनांक में वृद्धि होगी, अर्थात वह जल जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है चीनी या ग्लूकोज डालने पर, अब वह 100 से ज़्यादा हो सकता है, 101 हो सकता है, 101.25 या 100 से ज़्यादा 100.25 भी हो सकता है। यह मात्रा निर्भर करेगी घोले गए विलेय की कि हमने कितनी मात्रा विलायक में विलेय की घोली है। जितनी ज़्यादा मात्रा हम विलेय की विलायक में डालेंगे उतना ज़्यादा उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। और यह हमारा कहा जाता है उसके क्वथनांक, अब जब भी कोई हम विलेय को किसी विलायक में घोलेंगे तो नया विलेयन अपने इस परिवर्तन को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वह अपने क्वथनांक में वृद्धि करता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हम कोई विलेयन का क्वथनांक ग्रेटर देन विलायक के क्वथनांक, अर्थात विलेय के खोलने के बाद विलेयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होगा, अर्थात बढ़ जाएगा। अब आइए देखते हैं किस प्रकार, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक डेल्टा टीपी जीरो, यहाँ पे शुद्ध विलायक से अभिप्राय है एस टीपी पे या सामान्य ताप दाब पे विलायक का क्वथनांक टीपी जीरो, बी फॉर बॉयलिंग और जीरो दर्शा रहा है कि सामान्य ताप पर या एस टीपी पे, तो टीबी जीरो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमारा यदि है, और विलयन का क्वथनांक, क्योंकि विलयन का क्वथनांक हमारा ज़्यादा होगा विलायक का क्वथनांक कम होगा, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि हो गई है। तो यह जो क्वथनांक में हमारी वृद्धि होगी, क्वथनांक का उन्नयन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, यह क्या हो जाएगा हमारे विलयन का क्वथनांक टीबी माइनस टीबी जीरो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और यही हमारी क्या होगी क्वथनांक का उन्नयन। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें ज्ञात नहीं है तो अब हम इस प्रकार मोलरिटी से भी ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम, यहाँ पे जो डेल्टा टीबी होगा वह हमारे विलेय की मोललता पर निर्भर करेगा, कितनी मात्रा विलेय की उसमें घोला गया है, और यह इसी मोललता पर निर्भर करेगा कि जो हमारे विलेय की मोललता है या विलेय की कितनी मात्रा विलेय में घोली गई है, और हमारा क्वथनांक उन्नयन उसी पर निर्भर करेगा। मोललता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मोललता किसी विलयन में उसकी मोललता होती है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो यहाँ पे डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एम, अब यहाँ पे सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, के बी हमारा यहाँ पे के बी क्या है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बी फॉर बॉइलिंग क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और जो डेल्टा टी बी होता है वह बराबर होता है के बी इंटू एम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है आपके बोर्ड के दृष्टिगत, इसको जरूर आप याद रखें, और इसको सरल रूप से लिखा भी जा सकता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे आपकी विलेय की मात्रा पूछी जाती है कि कितनी मात्रा विलेय की घोली गई कि इसके क्वथनांक में एक डिग्री वृद्धि हुई, या पूछ सकता है कि अगर हमने 100 ग्राम शक्कर को जल में घोला तो जल के क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी। ये दोनों कंडीशंस के लिए हम यह फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड वर्ग आता है हमारा हिमांक का अवनमन, इसको देखते हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि किसी वास्तुशील विलायक में अगर कोई अवास्तुशील विलेय खोला गया तो उसके क्वथनांक में क्या हो गया उन्नयन हो गया। इसी प्रकार उसके देखिए पहला चीज हमने पढ़ा था कि उसके वास्तव में अपेक्षित कमी आती है, अवनमन होता है, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन होगा, और तीसरा आता है हिमांक का अवनमन, अर्थात इन तीनों कंडीशन से नया विलेयन खुद को एक नई साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा और किए गए प्रभाव को
नगण्य बनाएगा। किया गया प्रभाव में कि जो हमने उसमें विलेय घोला उसके प्रभाव को नगण्य करने के लिए अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। तो ये जो तीसरा परिवर्तन होता है हमारा हिमांक का ओनमन, हिमांक मीन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे जल का हिमांक हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हिमांक में कमी हो जाएगी। जब कोई अवाष्पशील विलेय वाष्पशील विलायक में घोला जाएगा तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होगा और इस घटना को हम कहते हैं हिमांक का ओनमन। ध्यान देने वाली बात यही कि आपको हमेशा यह याद रखना है कि हमारा जो विलेय होना चाहिए वो हमारा अवाष्पशील होगा और विलायक वाष्पशील होगा। अगर विलायक भी हमारा अवाष्पशील है तो उस पर नियम लागू नहीं होता है। तो यदि विलायक का हिमांक TF0, जैसे हम जल की अगर TF0 की बात करें तो यहाँ पे जल का TF0 कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 373.15 केल्विन। विलेय का हिमांक TF, अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो विलेय का हिमांक है वह कम है और विलायक का हिमांक ज़्यादा है, तो यह कमी क्या होगी, डेल्टा TF, यही इसकी कमी होगी जो हमारे विलेय और विलायक के मध्य होगी डेल्टा TF। अब क्योंकि TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक हमारा ज़्यादा है तो कमी क्या हो जाएगी, डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF, क्योंकि TF0 हमारा क्या है शुद्ध विलायक का है, TF0 क्या है शुद्ध विलायक का हिमांक और TF हमारा क्या है विलयन का हिमांक, तो TF0 माइनस TF बराबर डेल्टा TF, तो हिमांक में हमारी कमी होगी। तो आइए देखते हैं, विलायक का हिमांक TF0 है अर्थात STP पे सामान्य ताप पे जो हमारा विलायक है वह उसका हिमांक हमारा TF0 है। जैसे जल का अगर हम हिमांक की बात करें तो जल का हिमांक होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन। और विलयन का हिमांक, क्योंकि हमने एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोला है तो विलयन का हिमांक अब कम होगा, उसे अगर हम रिटर्न कर सकते हैं TF, तो यह कमी कितनी आई तो हम कह सकते हैं कमी क्या होगी, हमारा विलायक का हिमांक ज़्यादा है और विलयन का हिमांक कम है, तो अगर विलायक के हिमांक से हम विलयन का हिमांक घटा दें तो ही कमी हम प्राप्त कर लेंगे। तो डेल्टा TF वो अपेक्षित कमी बराबर TF0 माइनस TF, TF हम जीरो हम पहले बता चुके हैं, F फॉर फ्रीजिंग, T फॉर टेम्परेचर, 0 फॉर STP, इन सामान्य ताप दाब पर हमारा विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये हो गया हमारा डेल्टा TF। अब क्योंकि जैसा हमने इसमें देखा था क्वथनांक के उन्नयन में यह निर्भर करता है मोललता पर, उसी प्रकार हिमांक का ओनमन भी निर्भर करता है विलयन की मोललता पर। अगर मोललता स्मॉल m हो तो मोललता हम जैसे पहले जानते हैं मोललता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान kg में। तो यहाँ पे ये डेल्टा TF बराबर KF जहाँ पे नेतांक लिया गया है, जिसे हम कहते हैं हिमांक में उन्नयन स्थिरांक। खास बात की प्रत्येक विलायक के लिए मैंने यहाँ पे उन्नयन लिख दिया है, तो जहाँ KF हिमांक में ओनमन स्थिरांक है कि उसके हिमांक में कितनी कमी हुई, तो यहाँ पे हिमांक KF में हिमांक में ओनमन दर्शा रहा है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, और हिमांक में कमी तो यहाँ पे अच्छी कमी KF हिमांक ओनमन स्थिरांक, डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम, एम मोललता है, KF हिमांक में ओनमन स्थिरांक और डेल्टा TF हिमांक में हुई कमी। जैसे कि अगर हमने जल में शक्कर को घोला मीन शुगर या चीनी को घोला तो जल के तापमान में कितनी कमी आई, मान लीजिए पहले जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड था या 373.15 केल्विन था, अब अगर हमने उसमें 10 ग्राम 1 लीटर जल में या 1 किग्रा जल में अगर 10 ग्राम हमने चीनी खोली तब उसका नया हिमांक अगर 371 हो गया तो यह कमी कितनी होगी, लगभग 2 केल्विन या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमारा क्या होगा हिमांक में ओनमन स्थिरांक। तो हमने देखा कि जब भी इस विलयन चैप्टर में मुख्य 3 चीज़ें अभी हम देख चुके हैं, जब भी कोई अवाष्पशील विलेय किसी वाष्पशील विलायक में खोला जाता है तो सबसे पहला क्या होता है उसके वाष्प दाब में अपेक्षित कमी, या इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित ओनमन। दूसरा क्या होता है उसके क्वथनांक का उन्नयन अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और तीसरा होता है हिमांक का ओनमन अर्थात हिमांक में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार नया विलयन घोले गए विलेय की मात्रा के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार अपने विलयन की स्थिति या साम्य को परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और यही वह प्रयास इन लक्षणों से प्रदर्शित होता है। इन तीनों चीज़ों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो विलायक होना चाहिए वह वाष्पशील होना चाहिए और विलेय हो वह अवाष्पशील होना चाहिए, तब यह चीज़ें होती हैं।
तो आप इन तीनों क्वेश्चंस या इन तीनों जो फॉर्मूलास हैं इनको जरूर याद रखें, इस पर आपके अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि आप आगे आने वाले अच्छे वीडियोज़ को देख सकें। तो थोड़ा हमारी हेल्प करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स, नमस्कार।